एयरलाइन से ट्रैवल करने वालों के लिए एक खुशखबरी फिर से आ गई है, वो है हैदराबाद एयरपोर्ट से। हैदराबाद एयरपोर्ट ने ये अनाउंसमेंट किया है कि उसने एयरपोर्ट को स्टार्ट करने से पहले सेफ्टी मेजर्स पर काम करने की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि हैदराबाद एयरपोर्ट जो कि देश के बिजनेस एयरपोर्ट में आता है, इस एयरपोर्ट पर लॉकडाउन के समय में सभी पैसेंजर्स फ्लाइटें बंद हो गई थी। हम आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट ने फिर से फ्लाइट की उड़ानों को लेकर अपनी तैयारियां किस प्रकार से कर ली हैं। इस एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को लाइन में खड़े होने के लिए अलग से अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें कि हर एक पैसेंजर्स को एक निश्चित दूरी पर खड़ा होना पड़ेगा, जो कि हर जगह पर उसको ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कि उनको सिक्योरिटी चेक से लेकर बोर्डिंग और बाकी सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर का डिस्टेंसिंग मशीन भी लगाया जाएगा, जो कि टर्मिनल की पूरी बिल्डिंग पर जगह जगह पर प्लेस होंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट में फिजिकल एक्सचेंज को कम से कम किया जाएगा, जिससे कि पैसेंजर्स और एयरपोर्ट के स्टाफ एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ना आए। इसके लिए कुछ इस तरीके से बंदोबस्त किए जाएंगे कि पैसेंजर्स एयरपोर्ट स्टाफ के बिना ही अपने सारे काम स्वयं कर सकेंगे। आपको बता दें कि इन सब के अलावा एयरपोर्ट्स पर पेमेंट लेने की फैसिलिटी को भी पूरे तरीके से डिजिटल किया जाएगा, ताकि बिना किसी के कॉन्टेक्ट में आए हुए पैसेंजर्स अपना पेमेंट ऑनलाइन कर सकेंगे। फ्रेंड्स, ये सारी तैयारियां हैदराबाद एयरपोर्ट के द्वारा कर ली गई है। हैदराबाद एयरपोर्ट के अलावा दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट भी अपनी उड़ानों को लेकर पूरे तरीके से तैयार है, जिसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया है और उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप अभी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हो रही तैयारियों से ये उम्मीद जताई जा रही है कि डोमेस्टिक फ्लाइटें बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके ऊपर हम जल्दी ही नई जानकारी आप तक शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।